हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। अब ये गेम प्ले वीडियो में मैं खेल रहा था अपने फ्रेंड के साथ, यहाँ पे मैं डुओ वर्सेस स्क्वाड और मैं जंप करता हूँ पोचिंग की में। अब गाइस ये जो गेम प्ले है, आप लोगों को मजा बहुत आने वाला है। मतलब पोचिंग की में बहुत ज़्यादा फाइट होने वाला है। और यहाँ पे मैं एक चैलेंज रखता हूँ कि अगर मैं इस मैच में पोचिंग की में ही 10 से ज़्यादा किल निकाल लूंगा तो आप लोग को एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि क्या मैं निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जंप करता हूँ पोचिंग की में और देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे बंदे आ रहे हैं। अरे यार सिट, चल चल चल, किस तरह पे बंदे उसके। अब यहाँ पे मैं जंप करता हूँ और मैं जैसे पहले लूट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई गन नहीं मिलता, मुझे मिल जाता है एक पिस्तल। तो मेरे यहाँ से साथ मैं निकलता हूँ, सबसे पहले गन खोजता हूँ और यहाँ से मुझे मिल जाता है 8 KM। तो यहाँ पे मैं उठाता हूँ और मैं सोचता हूँ रश करने का, तो मैं इस जगह पे आता हूँ। अब यहाँ पे गाइस बहुत ज्यादा फायरिंग का साउंड आ रहा था और मुझे फुटस्टेप भी आ रहा था, बट मैं रश नहीं कर रहा था क्योंकि गाइस पोचिंग की आपको पता है कहाँ से पड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा टीममेट बोलता है मेरे पास बंदा है, मेरे पास आ जाओ। तो मैं इसके पास आता हूँ और यहाँ पे मेरा टीममेट बताया वहाँ बंदा है, बट मुझे ऐसे कोई एंगल नहीं मिल रहा था तो मैं नहीं मारता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं आता हूँ तभी मुझे एक बंदा दिख जाता है। और जैसे मैं वो बंदा को नॉक करता हूँ तभी ये बंदा मुझे पीछे से रश कर देता है। मतलब भाई साहब, अगर मैं पीछे ध्यान नहीं देता तो ये बंदा मुझे पक्का कंफर्म करता। अब मैं उस बंदा को मारने के बाद इस जगह पे आता हूँ रश करने के लिए, क्योंकि यहाँ मैं एक बंदा को मार रहा था। मेरे भी बंदा एक ही है, जल्दी आ। मेरे सामने पड़ेगा। अब मेरा टीममेट बोलता है इसके पास बंदा है, तो मैं इसके पास आता हूँ और यहाँ पे सिर्फ एक बंदा होता है जिसे मैं मार देता हूँ। और फिर इसको लूट करने के बाद यहाँ से मैं निकलता हूँ और जैसे यहाँ पे मैं पहुंचता हूँ तभी देखो क्या होता है। मतलब भाई साहब, जैसे यहाँ पे मैं पहुंचता हूँ तभी वो बंदा मुझे पीछे से फायर करने लगता है। अगर मैं ध्यान नहीं देता वो बंदा मुझे आराम से मार सकता था, पर उसके पास कोई अच्छा गन नहीं था, मतलब AKM था, और वो इससे मुझे मार नहीं सका। अब उसके बाद मैं इस जगह पे आता हूँ और तभी मुझे एक और बंदा दिख जाता है। अब यहाँ से आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि गाइस जो हम लोग का आगे बिल्डिंग है, मतलब जो 5 बिल्डिंग्स है वहाँ पे बहुत सारा स्क्वाड है, लगभग 4 से 5 स्क्वाड है। तो देखो कितना मजा आने वाला है। तो यहाँ पे मैं रस करता हूँ और देखो मैं कितना किल्स निकालता हूँ। तो यहाँ से गाइस आप लोग वीडियो को जरा से भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले मैं इस बंदा को कंफर्म करके इसके पास से मैं डीपी ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा 5 का एमो नहीं था। अब यहाँ से गाइस आप लोग देखो मैं कितना केस निकालता हूँ और यहाँ पे कितने सारे स्क्वाड्स थे। अब जैसे मैं ये क्लच करता हूँ तभी मुझे साउंड आता है कि कोई बंदा मेरे आसपास हील कर रहा है। तो देखते हैं वो बंदा कहाँ पे है। अब एक बंदा मेरे पे रश करता है जिसे मैं मार देता हूँ और मेरे यहाँ पे 10 किल्स कंप्लीट हो आता है। और फिर यहाँ पे एक बंदा होता है जो इस घर पे हिल कर रहा होता है, तो मैं कुछ नेट ट्राई करता हूँ। अब नेट से कुछ होता नहीं है, लेकिन जो बंदा होता है वो मेरे जस्ट ऊपर चढ़ा होता है और हिल कर रहा होता है, तो मुझे नहीं पता था बंदा कहाँ पे है। तो मैं हिल करता हूँ और डायरेक्ट वो बंदा पे रस करता हूँ। और फिर वो बंदा को मारने के बाद एक बॉट आता है जिसे मैं मार देता हूं। और यहाँ पे एक और बॉट आता है जिसे मैं मार देता हूँ और इसी के साथ मेरा 13 किल्स कंप्लीट हो जाता है।
और जो मैं चेस था वो भी मैं कम्प्लीट कर दिया, मतलब मैं पोचिंगी में 10 से ज़्यादा किल्स कर लिया। तो गाइस अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो कर दीजिएगा, जो मैं चेस था वो मैंने कम्प्लीट कर दिया, अब आप लोग का बारी है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं डेली गेम प्ले वीडियो अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो और आप लोगों को मजा आएगा क्योंकि मैं डेली गेम प्ले वीडियो लाता रहता हूँ। अब उसके बाद यहाँ मैं लूट करता हूँ और फिर यहाँ से मैं निकल आता हूँ, और जैसे यहाँ पहुँचता हूँ तो यहाँ पे जो कंपाउंड होता है ऊपर साइड वहाँ पे एक फ्लेयर चलता है, तो यहाँ मैं आ जाता हूँ। अब वो बंदे हम लोग पे फायर करते हैं और मेरा टीममेट का पे हेल्थ कम हो जाता है, तो वो पहले हील करता है और यहाँ पे मैं गाड़ी घुमा के जो सैक होता है ऊपर साइड वहाँ पर रोकता हूँ। अब मेरा टीममेट बोलता है यहाँ पे लेटा हुआ बंदा, तो मुझे लगता है कोई बंदा यहाँ पे मेरे आसपास लेटा हुआ होगा, तो मैं चेक करता हूँ, बट मेरा टीममेट मार्क नहीं करता है और फायर करने लगता है। अब मेरा टीममेट एक बंदे को नॉक करता है और वो जो कंपाउंड होता है वहां से कुछ बंदे मेरे टीममेट को नॉक कर देते हैं, और फिर मैं स्प्रे देके दो बंदे को नॉक कर देता हूं। तो गाइस अगर आप लोगों को वो वाला स्प्रे पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। अब वहां पे गाइस दो स्क्वाड आपस में फाइट कर रही थी, तो मैं रिवाइव करता हूं अपने टीममेट को और फिर यहां पे मैं चेक करता हूं और मैं अपने टीममेट को बोलता हूं चलो गाड़ी निकालो और रश करते हैं। और अब देखना मेरे साथ क्या स्कैम होने वाला है, मतलब बहुत ही गलत सीन होने वाला है। अब ये बंदा को मेरा टीममेट डैमेज देता है, बट ये बंदा यहीं पे कैम कर रहा होता है जैसे मैं अंदर जाता हूँ, और ये बंदा मेरे टीममेट को और मुझे भर देता है, मतलब भाई मुझे तो एक सेकंड में नॉक और फिनिश है। और मेरे टीममेट का भी यहाँ पे नेट प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो भी मर जाता है। अब क्या ही कर सकते हैं, कैम्पर का तो कोई इलाज ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक और गेम प्ले आप लोगों को दिखा देता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा क्लचेस है, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ मैं ये मैच खेलता क्रेजी गेमर के साथ और मैं जम किया था इस जगह पे, और यहाँ पे मुझे मिल जाता है एक यूजी, और यहाँ पे कुछ बंदे भी आ जाते हैं। अब मैं उस बंदा को बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ, बट मेरा हेल्थ ऑलरेडी हाफ था और मेरे पास कोई हेलमेट वेस्ट नहीं था, तो वो बंदा मुझे नॉक कर देता है। तो फिर मेरा टीममेट रिवाइव देता है और मैं हील करता हूँ और फिर मैं रेस्ट करता हूँ। और इसी साथ यहाँ पर जो भी बंदे थे, मतलब जो हॉटर पे सारे बंदे मर जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लूट करते हैं और लूट करने के बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। मेरी क्रिसमस। अब जैसे यहाँ पे मैं पहुँचता हूँ तभी मुझे कुछ बंदे पानी में स्पॉट हो आते हैं। और फिर मैं ये दोनों बंदा को मार देता हूँ, और ये दोनों शायद बॉट्स थे क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादातर बॉट्स ही घूमते रहते हैं, तो इनको मारने के बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अब मेरा टीममेट मार्क करता है यहाँ पे बंदा है, तो मैं चेक करता हूँ। और ये भी शायद एक बॉट होता है जिसमें मार देता हूँ। और यहाँ पे का जो फ्रॉस्ट फेस्टिवल ये इवेंट जो मोड है, इसमें ज़्यादातर बॉट्स आते हैं, मतलब ज़्यादातर जो भी प्रो प्लेयर्स है वो ज़्यादातर नॉर्मल जो क्लासिक होता है वही खेलते हैं। अब उसको मारने के बाद हम वहाँ से निकलते हैं और पूरा मैप घुमाते हैं, तो फिर लास्ट में हम लोग को कुछ बंदे दिख जाते हैं, मतलब जोधपुर साइड आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को गाड़ी दिख जाता है, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक पॉट नॉक रहता है जिसे मैं कंफर्म कर देता हूँ, और फिर यहाँ से हम लोग आगे जाते हैं बंदी खोजने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक गाड़ी आया था। और देखो यहाँ पे क्या ही सीन होने वाला है।
अब यहाँ पे मैं पहले वाला बंदा को मारा था जो कि राइट साइड जा रहा था, तभी लेफ्ट साइड से ये बंदा मुझे नॉक कर देता है, तो फिर मैं रिवाइव होता हूँ और फिर मैं रश कर देता हूँ। अब यहाँ पे दो स्क्वाड होती है जो कि आपस में लड़ लेती है और यहाँ पे सिर्फ एक बंदा बचता है जिसे मैं रश कर देता हूँ। और भाई साहब ये भी बंदा यहीं पे कैम कर रहा था, मतलब मुझे पक्का ही खा जाता ये बंदा, क्योंकि मैं इसे मार देता हूँ और फिर ये बंदा को मारने के बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अब वहाँ से निकलने के बाद हम लोग इस जगह पे आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक फ्लेयर ड्रॉप होता है। अब यहाँ पे भी एक गलत सीन होने वाला है मेरे साथ, तो देखो क्या होगा। अब मैं एक बंदे को कभी कंफर्म करता हूँ, मतलब किल चोरी करता हूँ और वहाँ पे कुछ बंदे थे। फिर जैसे यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे भी एक अलग स्क्वाड था, मतलब यहाँ पे जो एरिया था ये एरिया में लगभग 2 से 3 स्क्वाड थी। तो यहाँ पे मैं रस करता हूँ, मतलब ये स्क्वाड है उसमें, तो सबसे पहले कुछ नेट ट्राई करता हूँ। अब नेट से कुछ होता नहीं है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रस कर देता हूँ और देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। अब मुझे अब डर था सिर्फ एक बंदा होगा, मतलब यहाँ पे मैंने एक बंदा को नॉक किया था, बट वो बंदा मेरे टीममेट को रिवाइव कर देता है और जैसे हम लोग रश करते हैं तो दोनों बंदे एक साथ घुस जाते हैं, मतलब भाई साहब क्या ही बोले। तो गाइस अब यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा बंदा था, वो लोग हम लोग को मार दिया। तो गाइस ये था मेरे इस वीडियो में जो दिखाते हैं गेम प्ले वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक करना और डेली गेम प्ले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।